समझेंगे कि डिफरेंशियल के फॉर्मूलेस को कैसे याद रखा जाए। हम इसके कुछ शॉर्टकट मेथड समझेंगे जिससे आप इजीली डिफरेंशियल के फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं। हाउ टू मेमोराइज डिफरेंशियल फॉर्मूलेस, तो आइए समझते हैं इसके शॉर्टकट मेथड। d by dx sin x equal to cos x, d by dx tan x equal to sec square x। ये दो फॉर्मूले आप इजीली याद रख सकते हैं। मैं आपको दूसरे फॉर्मूले इसके मेथड बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे याद रखें। फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट सी मेथड है, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। समझिए, sec x tan x, इसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे cosec x माइनस cosec x cot x। हमें यहाँ पर कुछ एरोज लगाना है। sec x के आगे हम लगाएंगे ये एरो, tan x के पहले लगाएंगे हम ये एरो, cosec x के आगे हमें ये एरो लगाना है और माइनस cosec x के आगे हमें ये एरो लगाना है। sec x tan x cosec x माइनस cosec x cot x, sec x और cosec x में एरो उस तरफ जा रहे हैं, tan x और cot x में एरो इस तरफ आ रहे हैं। ये हमारी छोटी सी टेबल है। यहाँ पर sec x tan x cosec x माइनस cosec x cot x, जो सेकेंड वाला है यहाँ पर cosec x माइनस cosec x cot x दे रखा है, तो ये सारे लेटर्स c से स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा। हमें बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। अब हमें फॉर्मूलेस बनाने हैं डिफरेंशियल के, तो समझते हैं। हमें पहला फॉर्मूला बनाना है sec x का, d by dx sec x। तो sec x का फॉर्मूले के लिए हमारा ये sec x दे रखा है, एरो उस तरफ जा रहा है, मतलब sec x और tan x एक, इन दोनों फंक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। sec x मल्टीप्लाई tan x, sec x मल्टीप्लाई tan x, ये हमारा sec x का फॉर्मूला हो गया sec x tan x। इसी तरीके से d by dx tan x, tan x से एरो इस तरफ है, इट मीन्स sec x मल्टीप्लाई sec x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। थर्ड, d by dx cosec x, cosec x एरो उस तरफ है, मतलब माइनस cosec x का मल्टीप्लाई cot x से होगा, तो ये बन जाएगा माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। फोर्थ फॉर्मूला, d by dx cot x इक्वल टू, cot x फॉर्मूला इस तरफ है, मतलब cosec x का मल्टीप्लाई माइनस cosec x से, तो हमें मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसमें समझने वाली बात यह है कि जहां पर भी हमें c वाला फंक्शन मिल रहा है वहां पर हमें माइनस साइन लगाना है। जैसे कि cosec x c से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन लगा है। जैसे कि cot x c से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन मिला। इसी तरीके से d by dx cos x भी c से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, तो इसके आगे हमें लगाना है माइनस साइन और फिर
sin x, cos x का हो गया minus sin x, बाकी सारे sin, tan, sec ये सारे positive numbers थे, और जो words c से start होने वाले हैं उसका derivative हमें negative में मिलेगा। तो ये है बहुत ही आसान trick जो आप याद रखें, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए।